धर्मशाला टेस्ट में भी इंग्लैंड हार की ओर बढ़ रहा है। 5 मैच की सीरीज के 3 मैच भारत पहले ही जीत चुका है। इंग्लैंड वाले धर्मशाला में खुद का सम्मान बचाने उतरे थे, लेकिन पहले भारतीय स्पिनर्स और फिर टॉप ऑर्डर ने इसमें भी उनकी हालत खराब कर दी। दूसरे दिन लंच तक भारत ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 264 रन बना लिए हैं, यानी टीम अब इंग्लैंड से 46 रन आगे है। शुभमन गिल और रोहित शर्मा बेहतरीन सेंचुरीज मारकर खेल रहे हैं। इंग्लैंड की टीम बैकफुट से भी पीछे है और इन सब के बीच ऑस्ट्रेलिया वाले मजे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अखबारों के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिएटर्स भी इंग्लैंड का मजाक बना रहे हैं। पूर्व क्रिएटर्स ब्रेड हेडन और टिम पेन ने इंग्लैंड की टांग खिंचाई शुरू कर दी है। हेडन ने कहा कि वो कप्तानी के मास्टर स्ट्रोक्स पसंद करते हैं, साथ ही उन्हें बेन स्टोक्स द्वारा युवाओं को हैंडल करने का तरीका भी पसंद है, लेकिन इस बात से बच नहीं सकते कि इस भारतीय टीम से कई स्टार्स गायब हैं और ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। हेडन ने अराउंड द विकेट पर कहा, आप बेन स्टोक्स में कमी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो टेक्निकली इस सीरीज में बेहतरीन रहे हैं। इंग्लैंड के पास सब कॉन्टिनेंट की कठिन परिस्थितियों में बहुत युवा स्पिन अटैक है, लेकिन युवा रेहान अहमद, टॉम हार्टली और शोएब बशीर कमाल के रहे हैं और बेन स्टोक्स को इसका बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन वो भारत की बी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। इसमें कोहली और शमी नहीं खेल रहे। बीते टेस्ट में बुमराह को आराम दिया गया था। केएल राहुल बाहर है और ऋषभ पंत अभी भी एक्सीडेंट से वापसी की कोशिशें कर रहे हैं। ये भारत की सबसे मजबूत टीम नहीं है। इसमें एक बात ये भी पता चलती है कि भारतीय टीम के पास कितनी गहराई है, क्योंकि इसमें कई बड़े नाम हैं जो भारतीय क्रिकेट के अगले एरा का हिस्सा होंगे। जायसवाल इनको लीड कर रही हैं। पिछले टेस्ट में युवा जुरेल भी कमाल थे। भारत बहुत मजबूत दिख रहा है। इस बातचीत में टिम पेन भी शामिल थे। उन्होंने भी हेडन से सहमति जताते हुए कहा, हाँ मैं सोचता हूँ कि हेडन ने एकदम ठीक बात कही। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ और मुझे पता है कि भारतीय बी टीम से हार कर कैसा लगता है। दुर्भाग्य से यह हमारी ही जमीन पर हमारे साथ हो चुका है, लेकिन हाँ कई बड़े नाम भारतीय टीम से बाहर हैं, जिससे इंग्लैंड को निश्चित तौर पर मदद मिलनी चाहिए थी। मुझे इंग्लैंड का खेलना बहुत पसंद आया है, उनके खेलने का अंदाज मुझे बहुत पसंद है, मुझे उन्हें हाथ देखना बहुत प्यारा लगता है। मुझे गलत मत समझिए, लेकिन वो काफी एंटरटेनिंग है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी इंग्लैंड का खूब मजाक बनाया था। धर्मशाला टेस्ट के पहले दिन के खेल के बाद फॉक्स ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जमकर ट्रोल किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।